दबिश देने गई पुलिस टीम का एक्सीडेंट। दुष्कर्मी के रिश्तेदार चौकीदार की हुई मौत, सिपाही की हालत गंभीर, मेडिकल में भर्ती। रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए एटा दबिश देने गई पुलिस टीम में शामिल एक सिपाही और रेप के आरोपी रिश्तेदार चौकीदार का जनपद कासगंज में एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनंद फानंद में पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में भर्ती घायल सिपाही जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तो हादसे के बाद इस पूरे मामले की विभागीय जांच ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही है। सर, एक्सीडेंट में चौकीदार की मृत्यु हुई है, क्या मामला है? एक दुखद सूचना आज प्रातः प्राप्त हुई है, जिसमें मक्खन लाल जो कि गंगेरी में ग्राम प्रहरी के रूप में तैनात थे, इनके एवं हमारे एक कांस्टेबल अंकित कुमार, इनके एक्सीडेंट में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें श्री मक्खन लाल इनकी मृत्यु हो गई है और अंकित कुमार ये अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में संबंधित हमारे यहाँ के जनपद के क्षेत्राधिकारी अतरौली एवं SPRA को भेजा गया था, इनके परिजनों से ये मिले थे। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि हरदवागंज पर 24 तारीख को एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम रूपा है। यह अभियुक्त का एटा में लोकेशन होना पाया जा रहा था, जिसमें संबंधित थाने की टीम आदि रवाना हुई थी। उपरोक्त ग्राम प्रहरी उपरोक्त अभियुक्त का रिश्तेदार है, इसलिए उसके द्वारा सुराग रस्सी पता रस्सी हेतु, जैसा कि बताया गया है, उपरोक्त टीम के साथ वहाँ जाने का उल्लेख किया गया है और लौटते वक्त वहाँ से तस्दीक आदि करने के बाद यह जो दुर्घटना है इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। जहाँ घायल कांस्टेबल का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं जो मृतक ग्राम प्रहरी हैं, इनके बेटे द्वारा थाना कोतवाली कासगंज में एक तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने दुर्घटना का उल्लेख करते हुए वहाँ पर मुकदमा लिखवाने के लिए संबंधित के जो जिसने दुर्घटना कारित की है उसके विरुद्ध मुकदमा लिखवाने के लिए वहाँ पर तहरीर प्रस्तुत की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उपरोक्त संबंध में विभागीय जो जितनी भी जांच पड़ताल है वो SPRA द्वारा की जा रही है। वहीं जो मृतक परिवार है उनके साथ संवेदना प्रकट की गई है तथा घायल आरक्षी जो है उसके इलाज के लिए चिकित्सकों से वार्ता की गई है। धन्यवाद।